एयरपोर्ट से बहुत ज्यादा परेशान था, दवाइयाँ यूज की, ऑयल लिया, बहुत कुछ यूज किया, लेकिन कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का सोचा, बहुत जगह ट्राई भी किया, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन मेरे को मिला नहीं जो मेरे को मिलना चाहिए था। फिर मैंने यूट्यूब से कुछ वीडियो देखे डिवाइन को कॉस्मेटिक सेंटर के, वहाँ से मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैंने कुछ वीडियोज देखे, फिर मैंने यहाँ पे आके कंसल्ट किया यहाँ का स्टाफ, और उसने बहुत स्टॉक अच्छा मिला मेरे को, यहाँ से अच्छा लगा। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि यहाँ मेरे को एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मेरा नाम राहुल है, मेरी सर्जरी पूरी तो हो चुकी है। सर्जरी से पहले मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसा रहेगा, कितना पेन होगा, कैसे क्या होगा, लेकिन फिर जैसे सर्जरी स्टार्ट हुई, मुश्किल से 5-10 मिनट का पेन रहा होगा, जैसे एनेस्थीसिया दे दिया गया उसी समय। उसके बाद कुछ भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, और कोई भी करवा सकता था। ऐसा नहीं है कि किसी को डर है कि भाई कैसे होगा, ठीक ही नहीं होगा। और डॉक्टर थे जो भी, वो भी बहुत कोऑपरेटिव थे। ऐसा नहीं था कि आप ऐसे बैठ बैठे और आपका बहुत हो रहा है बस। और मैं अपने ट्रांसप्लांट से बहुत बहुत खुश हूँ, और आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा मेरा रिजल्ट आएगा। और बस यही है कि कोई भी करवा सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ डर है कि पेन है। आने से पहले मुझे भी ऐसा था कि मैं करवा पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, कि कितना पेन होगा, लेकिन जैसा मैंने सोचा था उससे बिल्कुल अलग रहा, बिल्कुल पेन नहीं रहा। बस ऐसा मान लो कि जितना देर तक मेरा ट्रांसप्लांट चला, अगर पेन की बात करें तो पेन बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कोई चीटी ने काटा, बस इतना ही पेन था। और कोई भी करवा सकता है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल पेनिक करने की जरूरत नहीं है कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट हो ही पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बिल्कुल नॉर्मल रहा, बिल्कुल पेन नहीं हुआ, और 19 भी जैसे चीटी वीटी काटते हुए वैसा पेन रहा था, और ओवरऑल सब कुछ ठीक रहा मेरा। अगर आप ट्रांसप्लांट की सोच रहे हो तो आप ऐसा प्लास्टिक सर्जन ढूंढे जिसको एक्सपीरियंस हो, जिसे कुछ हो कोई बात, ऐसा ही ना हो कि ना कोई भी आपका कर दे ट्रांसप्लांट, आप पैसे लगा रहे हो तो आपको अपना देखना भी है कि भाई कौन अच्छे से कर पाएगा कौन नहीं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो डिवाइन सेक्शन मेरे को तो कोई लगा नहीं है, लेकिन अगर आपको करवाना है तो अच्छे से अच्छा डॉक्टर सर्जन ढूंढे, ऐसे किसी से कौन नहीं करवा ले अपना। और डिवाइन में अगर आप आए फिर तो आपको किसी चीज की जरूरत है नहीं कि भाई आप सोच रहे हो कि भाई कैसा मिलेगा, इधर तो बहुत एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एक बार यहाँ भी आके एक बार ट्राई करें जरूर। जब भी मैं आऊंगा यहाँ पे कभी मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। अब से लेकर PRP होगी जितनी भी, और ड्रेसिंग जो भी है वो मैं सब आपके साथ शेयर करूंगा।